थर्मेन, डेट्स एंड नेट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूर, जैतून का तेल, शहद, अंजीर और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। खजूरों में सबसे अहम अजवा खजूर है और हर तरह के खजूर यहाँ पर ईरान से, अरब कंट्रीज से दस्तियाब हैं और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा तरीन है और बहुत ही वाजिब दामों में। ये दुकान जो है खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में शालीमार होटल बेलगावी के पीछे है। फिर आप ये न कहना कि कोई हमें बताया नहीं है। सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हर्मेन, डेट्स एंड नट्स, आइए विज़िट कीजिए। फैजान मेंस वेयर एंड फैब्रिक्स, यहाँ पर हर तरह के कपड़े जो शेरवानी के लिए, ब्लेजर्स, फुल सेट थ्री पीसेस, कुर्ता, पैजामा, जैकेट, फॉर्मल पैंट और शर्ट, यहाँ पर फैब्रिक्स भी मिलेंगे और सीकर भी मिलेंगे। शेरवानी सिर्फ 2 घंटे में आपको सीकर दी जाएगी। एक ऐसी मशहूर और मारूफ दुकान है, यहाँ पर विजिट करना न भूलिए, क्योंकि फिर ये न कहना कि हमने आपको बताया नहीं है। ये दुकान बेलगावी खंजर गली दरगाह के बिल्कुल करीब है। फैजान मेंस वेयर एंड फैब्रिक्स, आइए विजिट कीजिए। अब मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की कौन सी खबर गर्दिश कर रही है। इस वक्त कर्नाटका के शहर बेलगावी में एक बहुत ही शानदार फंक्शन किया गया और ये फंक्शन की जिम्मेदारी जो है कलीमुद्दीन शाह मकानदार, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स के और एंटी करप्ट के, और उसके बाद अब्दुल तवाब हैं, और इन्होंने मिलकर एक ऐसी कंपनी को यहाँ पर दावत दी। ये कंपनी जो है बेलगावी से कम 1 लाख लोगों को जॉब देने की कोशिश में लगी हुई है। इस कंपनी के जो मेल है जिनका नाम उत्केश अपूर्वा है, जो फाउंडर है सीईओ मिथिक्षा कंपनी के, और उसके बाद को फाउंडर है अश्विनी प्रभु, और ये को फाउंडर भी है और वीपी प्लेसमेंट है यही मिथिक्षा कंपनी के लिए। और इसमें गुलताज खान थी जो नेशनल अवार्ड टीचर हैं, इनको भी बुलाया गया और बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद रहे, स्टूडेंट्स मौजूद रहे, ताकि इनके लिए जॉब की बंदोबस्त व्यवस्था की जा सके और किस तरह से जॉब इनको हासिल करना है ये तरीका बताया जाए, और कौन कौन सी डिग्री इस वक्त बच्चे हासिल कर चुके हैं जिसमें डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, ITI है, ग्रेजुएट है, IT सेक्टर में भी काम करने वाले तमाम लोगों के लिए बड़े बड़े कंपनियों में अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस तरह की बात करते हुए उत्केश अपूर्वा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में लोगों को, बच्चों को समझाया, प्रभु अश्विनी प्रभु मैडम भी समझाए और बच्चों में जोश खरोश भरने की पूरी कोशिश की, और ये बहुत ही शानदार फंक्शन रहा और काफ़ी लोगों ने इसे दिलचस्पी से देखा। और इस फंक्शन में कुछ डांस के प्रोग्राम भी किए गए कलीमुद्दीन शाह की तरफ से, और काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत ही एंजॉय किया और बहुत सी मालूमात हासिल की। यहाँ पर फॉर्म भी बांटे गए ताकि लोग जिस तरह से ट्रेनिंग भी हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ही कम दामों में, ना के बराबर दामों में उनको ट्रेनिंग की भी बात की गई और उसके बाद उनको जॉब का बंदोबस्त भी करने का अहद दिलाया गया है। इसी संदर्भ में एक प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम के एक छोटे से रिपोर्टर यानि फोटोग्राफर हैं और न्यूज़ को एडिटिंग भी करते हैं, उनको जो है उत्तीक्षा अपूर्वा जो फाउंडर सीईओ मेतेक्ष कंपनी के हैं और अश्विनी प्रभु ने मिलकर उन्हें शॉल और फूलों का हार देकर वो बच्चे का सम्मान किया, और उन्हें बहुत ही ताज्जुब लगा कि इतना छोटा सा बच्चा जो है न्यूज़ के लेवल में इस तरह के काम अंजाम दे रहा है। और उत्तीक्षा अपूर्वा ने उन्हें यहाँ तक कहा कि जर्नलिज़्म के इस मोड में, इस मैदान में तुम एक सुपरस्टार हो, इस तरह से भी उन्होंने कहा। आइए देखते हैं किस तरह से पूछे गए सवालों के जो प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम के ज़रिए से उन्होंने, उत्तीक्षा अपूर्वा ने बहुत ही शानदार अंदाज में जवाब दिया। और इनकी कोशिश जो इस देश के और इस शहर के छोटे छोटे इलाकों में जाकर बच्चों की नौकरी का और उनके जॉब्स का जो इंतज़ाम कर रहे हैं, ये इस शहर के लिए, स्टेट के लिए और पूरे देश के लिए एक बेमिसाल है। क्योंकि जब ये बच्चे तरक्की करेंगे, जॉब्स करेंगे, कमाएंगे और घरदार को संभालेंगे तो सचमुच देश तरक्की होगा। देश को तरक्की होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो एजुकेशन है, ईमानदारी है और देश से मोहब्बत है और आपस में मोहब्बत है। इस चीज़ को अगर हम लेकर चलेंगे तो सचमुच हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने अपने ख्यालात पेश किए। प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम प्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज जब कर्नाटका के शहर बेलगावी में है, जहाँ पर सर्किट हाउस में
एक सोशल और लोग जो हैं जिसमें कलीमुद्दीन शाह है और मिस्टर तवाब साहब हैं, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। जैसे आजकल इंसान को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो जॉब की है, जब उसे जॉब मिलेगी वो अपने फैमिली को संभाल सकेगा। लेकिन हमने देख रहे हैं गवर्नमेंट जिस तरह से वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, मगर अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप जैसे प्राइवेटाइजेशन के जो लोग हैं प्राइवेट कंपनीज को लेकर, एक हिंदुस्तान के बसने वाले लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और आपने जो 1 लाख का प्रोजेक्ट जो लेकर आया है सर, इसमें कितनी सच्चाई है और आपके ऐसे ऑप्शंस कौन से हैं जो आपको लोग चाहते हैं? तो ये जो 1 लाख का हम प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, ये हमारी कोशिश ये है कि जो जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं बेंगलोर में या दिल्ली में राइट, जिसके लिए हमारे बेंगलोर के बच्चे एलिजिबल हैं राइट, तो उनको उन जॉब्स तक पहुँचाया राइट। सो एज अ प्राइवेट कंपनी वी कैनॉट क्रिएट, हम एक नई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है वहाँ तक हमारे बच्चों को पहुँचा सकते हैं। और हमारा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बेंगलोर के बच्चों में काफ़ी जोश है, काफ़ी इंडस्ट्रियस बच्चे हैं यहाँ, और ऐसा हमने देखा है कि अगर इनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपकी बात सही है कि नौकरी की सबको ज़रूरत होती है राइट, लेकिन नौकरी करने के लिए जो स्किल्स और जो कम्युनिकेशन और जो मार्केट का एक्सपोजर लोगों को चाहिए होता है, उस एक्सपोजर की हर जगह हर टीयर के तौर पर थोड़ी कमी होती है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ मेट्रो में होती है। तो अभी सरकार की कोशिश है कि वो टीयर टू टाउन्स में भी लेकर के जाएँ, लेकिन एज प्राइवेट सिटीजन्स हमारी भी ये कोशिश है कि हम जितने जॉब्स छोटे शहरों में लेकर के जा सकें उतना उन शहर। अभी आप मैडम जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपने बताया कंपनी के, और हमें बड़ी खुशी है कि आप यहाँ आए और बेलगाम के लिए आपकी मोहब्बत जो देखने में आ रही है कि लोगों को जॉब्स मिल सके। अगर जॉब मिलेंगे तो शहर, स्टेट, कंट्री बहुत आगे जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। आपकी कोशिश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है कंट्री में करंटली राइट, बट प्लेसमेंट्स जो बच्चों को वहाँ पे लेके आना, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम एट द मोमेंट। दे आर नॉट अवेयर, उनको अब जॉब्स के बारे में पता नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप। हम लोग वो जॉब्स उनकी यू नो उनके लिए आई मीन वी आर गेटिंग इट क्लोजर टू देम बेसिकली, वी आर ट्राइंग टू गेट देम टुगेदर। सो वी आर डूइंग दैट मैच मेकिंग फॉर द स्टूडेंट्स राइट नाउ। सो you know that is one of the very most important things to kind of go ahead with, and it is important because it's the country. At the end of the day you want to do something for the country right, so if it's like padega india badega india, that kind of a thing, but that kind of a thing. Abhi sirf aap villages mein, district places mein, taluka places mein aap ye kar rahe hain, importance de rahe hain job ke liye? सो हम लोग करंटली टीयर टूज में हैं, लाइक बेलगाम, लखनऊ एंड पुणे एरियाज़ में। अलॉन्ग विद दैट हम लोग करंटली बैंगलोर में भी है, इन द टीयर टू कॉलेजेस इन बैंगलोर काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।